जी बाबा, आपने बुलाया हमें। हाँ बेटा, मुझे तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी। जी कहिए बाबा। बेटा, हम ये सोच रहे हैं कि हम अलीजे की शादी करें। क्या अलीजे की शादी? हम अभी इतनी जल्दी? बेटा, ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। बेटा, हमारे लिए तो वो हमेशा ही बच्ची रहेगी, लेकिन हकीकत यही है कि उसकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ, लेकिन अलीजा तो भी छोटी है, यू नो। आप लोग बहुत जल्दी, इतनी जल्दी क्या जरूरत है शादी करने की? अरबाज, एक मिनट बाबा, आप हमें बताइए तो सही, अचानक से आपके जहन में ये बात क्यों आई? तुम लोग बैठो। देखो बेटा, अलीजे जिस बड़े हादसे से गुजरी है, इसका उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये खबर अभी ज़्यादा फैली नहीं है। मैं तो समझता हूँ शायद अड़ोस पड़ोस वालों को भी नहीं पता, क्योंकि आजकल लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मगन हैं कि किसी की खबर गिरी का वक्त ही नहीं मिलता। मुझे लगता है अगर अलीजे नॉर्मल लोगों की तरह दुल्हन बन जाएगी तो उसकी सेहत पर इसके बड़े अच्छे असरात पड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा उसको कोई अच्छा गमगुसार लाइफ पार्टनर मिल गया तो ये उसके लिए किसी भी दवा से ज़्यादा सूदमंद साबित हो। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हमारी अलीजे बिल्कुल मासूम फरिश्तों की तरह पाक है। अल्लाह ने उसके लिए कुछ बेहतर सोचा होगा। उसका नसीब किसी अच्छे लड़के से ही जोड़ा होगा। वैसे भी इस दुनिया में अच्छे और बेगरज लोगों की कमी नहीं है।